हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज हम करने वाले हैं फ्लोरा एक्टिव का ये बोटॉक्स मास्क, किस तरीके से आप इसको अपने हेयर में ट्रीटमेंट कर सकते हो। पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ। और गाइस, ये देखिए क्लाइंट के जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा ब्लोंड में है और हेयर काफ़ी ज़्यादा रफ है, फ्रिजी है और बालों में स्ट्रेंथ भी इनके बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए। तो गाइस, इससे बालों में स्ट्रेंथ भी आएगी, फ्रिजनेस भी ख़त्म होगी, बालों का पीएच भी बैलेंस होगा और बालों में जो स्मूथनेस और शाइनिंग सब चीज़ इससे आने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले हम हेयर को वॉश कर लेंगे, वो फ्लोरा एक्टिव के शैम्पू से ही आपको हेयर को वॉश करना है और आपको अच्छे से वॉश करना है। गाइस, इसका जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और प्रोडक्ट भी थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको, ये आपको 5000 के अप्रोक्स पड़ेगा ये सिर्फ मास्क। और इसके साथ हम जो स्प्रे सीरम यूज़ कर रहे हैं वो भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। और बोटॉक्स के अकॉर्डिंग गाइस, इसका जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसमें जो बालों का जो पीएच है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता है। और आप सभी को पता है, जब बालों का जो पीएच बैलेंस हो जाता है तो बालों में टेंगल्स अपने आप खुद पे खुद नहीं बनते। और गाइस, वॉश करने के बाद आपको ये फ्लोरा एक्टिव का स्प्रे है, आपको ये यूज़ करना है पूरे ऑल ओवर हेयर पर। गाइस, इससे क्या होगा, बालों का जो पीएच है वो बैलेंस हो जाएगा और बालों को प्रोटेक्ट रखेगा, बालों की ब्रेकेज को रोकेगा और बालों में हीट प्रोटेक्टर का भी काम करेगा, पीएच बैलेंस करेगा और बालों को अनफ्रिजी रखेगा, यानी ये एंटी फ्रिजी भी हैगा। तो गाइस, को हम ऑल ओवर पूरे हेयर पे लगा लेंगे, अच्छी तरीके से लगाने, देखिए किस तरीके से हम लगा रहे हैं, पूरे सेक्शन बाय सेक्शन लगाना, यानी कि ऊपर ऊपर से आपको स्प्रे कर लेना है। उससे क्या होगा गाइस, सिर्फ स्प्रे जो है आपका सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हेयर पे लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, ये देखिए। और गाइस, सबसे जो हेयर को हमें टारगेट करना है वो नीचे वाले हेयर पे करना है, जहाँ बालों में ब्लीच हो रखी है इनके, यानी कि प्री लाइटनिंग पहले से हो रखी है, देखिए। अच्छे से इमल्सीफाई करना है, एक एक फाइन फाइन सेक्शन भी नहीं निकालने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये भी जो हम बोटॉक्स कर रहे हैं उसका सबसे मेन पार्ट है, ता काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते, सीधा मास्क लगा देते हैं, फिर उनका रिजल्ट यही रहता है कि उनका मतलब औरों की तरह रिजल्ट नहीं आए। तो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि फ्लोरा एक्टिव का कौन सा ये स्प्रे, देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। एप्लीकेशन में आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इसकी एप्लीकेशन करनी है। और गाइस, अगर आपको ये फ्लोरा एक्टिव की बोटॉक्स मास्क किट परचेस करनी है तो गाइस आप हमें कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको डिस्प्ले पे नंबर दिखा दूंगा, ये देखिए जो नंबर डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। तो गाइस, ये है मास्क, बोटॉक्स मास्क, इसको हम करने वाले हैं, इसको हमने निकाल लेना है एक बाउल में और ज़्यादा क्वान्टिटी भी नहीं लगानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इनफ क्वान्टिटी, ज़्यादा क्वान्टिटी लगाओगे तो गाइस कोई बेनिफिट नहीं है और काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रोडक्ट है कॉस्टली हैगा। तो आपको सिर्फ उतना ही लगाना है जितना बालों में नीड हैगी, तो अच्छे से लगा लेना है, देखिए डैब डैब प्रोसेसिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट जो है पूरे हेयर में अच्छे से लगना चाहिए, आप बिना ग्लव्स के लगा सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्लव्स पहनने हैं। अच्छे से कॉम करके अच्छे से इमल्सीफाई करना है हर एक सेक्शन पे, और नीचे वाले हेयर पे ज़्यादा टारगेट करके चलना है कि अच्छे से इमल्सीफाई और ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा करना है, ताकि जो फ्रिजनेस होती है ना गाइस, सबसे ज़्यादा प्री लाइटनिंग वाले हेयर पर ही होती है और प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट वहीं पर ही हमें करना होता है, जहाँ पर फ्रिजनेस और बालों का जो पीएच है वो वहाँ पर अनबैलेंस होता है। और गाइस, आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे सलोन से रिलेटेड, कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गाइस वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है। तो आपको हमारे सैलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस, हमारे सैलून का जो एड्रेस है कार्ड पे मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारा जो सैलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस, ये न्यू दिल्ली में है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस, हमारी एप्लीकेशन जो कंप्लीट हो चुकी है, और गाइस इसको हम रखेंगे 45 to 50 minutes अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर रखेंगे, बाकी हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। और गाइस, उसके बाद हमने कर लेना है लेजी रिंस। लेजी रिंस गाइस, इसका मतलब ये कि आपको सिर्फ
10% हेयर में से सिर्फ प्रोडक्ट को निकालना है, ज़्यादा आपको प्रोडक्ट को नहीं निकालना है, आपको सिर्फ 10% बालों में से प्रोडक्ट को निकाल लेना है। देन गाइस हम ड्रायर करेंगे और अच्छे से हमें ड्रायर करना है और बालों को अच्छे से सुखा लेंगे। और गाइस जो हम ये रिंस करते हैं, लेजी रिंस करते हैं, इसका मतलब यही होता है कि गाइस बाहर में जब ड्राई करने में हमें इजीली रहे और बाकी प्रेसिंग वगैरह करने में भी वो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, वरना बालों में ना प्रेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा खींचेगी और बाल भी क्लाइंट के खींचेंगे और 10% जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकालना होता है। तो गाइस उससे जो क्या है, ड्रायर भी अच्छे से हमारा चलता, प्रेसिंग भी इजीली हो जाती है। देखिए गाइस इसके बाद हम ब्लो ड्रायर कर लेंगे, आपको अच्छे से ब्लो ड्रायर करना है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ब्रश चल रहा है हमारा गाइस, ये देखिए। और अगर आप प्रोडक्ट नहीं निकालोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बस ये है कि आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। और आपको गाइस प्रेसिंग कर लेनी है, वो प्रेसिंग आपको फाइन फाइन सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं करनी, मोटे मोटे सेक्शन लेने हैं आपको कुछ इस तरीके से, ये नहीं कि आप स्मूथनिंग की तरह हम जो प्रेसिंग करते हैं वैसे नहीं करनी। और रिपीटेशन जो है आपका, वो आपका रिपीट एंड रिपीट 4 से 5 या 6 बार रहेगा। तो गाइस प्रेसिंग करने के बाद आपको मैं फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो गाइस एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रेसिंग किस तरीके से आपको करनी, रिपीट देन रिपीट देन रिपीट, 5 से 6 बार आपको रिपीट करना है। गाइस आपको मैं फाइनल रिजल्ट भी दिखा देता हूँ आफ्टर प्रेसिंग के बाद। गाइस ये हमारा फाइनल रिजल्ट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। और गाइस वॉश के बाद भी आपके ये हेयर ऐसे ही रहने वाले हैं, इसकी गारंटी है। और इसकी जो इलास्टिसिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है हेयर की, काफ़ी ज़्यादा हेयर स्मूथ भी है। और गाइस इसका रिजल्ट तो मेरे को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपने यूज़ करा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको रिजल्ट कैसा लगा।